अमरम जी, सोचा था बहुत ही अच्छी वीडियो बनाऊंगी आप सबके लिए, और कोशिश भी मैंने यहीं से कर दी थी, और ये गोल चक्कर पे यहाँ पे मतलब यहाँ से मैंने शुरुआत की थी वीडियो की कि आप सबके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनानी है। लेकिन क्या करूँ मैं, रास्ते में ही ये देखो बहुत मतलब अच्छे से नॉर्मल, और मुझे अकेले क्यों जाना पड़ा, क्योंकि बेटे की तबीयत ख़राब थी। तो मैंने कहा, आपने वीडियो में भी देखा होगा, इन्होंने कहा था ओला बुक कर दूंगा, तो मैंने कहा नहीं, ओला बुक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेली चली जाऊंगी ऑटो में, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरी ससुराल ज़्यादा दूर नहीं पड़ती। लेकिन जैसे ही मायके के सामने गई, मुझे इतना रोना आया, और मैं क्यों बता रही हूँ, आप सब मेरी फैमिली हो, मेरे अपने हो, मैं दिल से ही मुझसे लगाव करते हो बहुत ज़्यादा। और ये मैंने सूट क्यों किया वो भी मैं आप सबको बताऊंगी, ये बाद का है, उससे पहले मैं फूट फूट के रो ली थी। ऑटो वाले ने ऑटो रोक दिया कि मैडम मैं आगे नहीं जाऊंगा, पहले मुझे आप कारण बताओ आप रो क्यों रहे हो। उसने, मैं समझी नहीं, बाद में जब मैंने दिमाग में आया, अरे ये सोच रहा है कि शायद मैं इसे फंसा दूंगी। बाद में जब मतलब मैंने ये बात घर आके बुआ जी को मतलब शेयर की, तो बुआ जी और हम सबका मानना यही था कि शायद, और ये मेरा सिर्फ मैं अकेली थी, इसलिए जब भी मैं इमोशनल होती हूँ हमेशा अकेले में होती हूँ, चाहे वो घर में हो, कभी रात में नींद नहीं आ रही है तब, या कभी, और टूट जाती हूँ मायके के सामने। बहुत कुछ दिमाग में चलता है, काश उसका कोई एहसान भी नहीं होता, अगर वो होता और हमारे लिए करता तो उसका कोई एहसान नहीं होता, जैसे कि हमारा कोई एहसान नहीं है दीदी पे, हम दीदी के लिए जा रहे हैं, क्यों हम पे, मैं बच्चे को छोड़ के, बीमार को छोड़ के दीदी के पास जा रही हूँ, क्योंकि मैं उनकी हूँ, मेरा कोई एहसान नहीं होगा उन पे, और ना होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं उनकी अपनी हूँ, वो मेरी अपनी है, और सबका एहसान इतना हो जाता है कि शायद बहुत कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था। शायद आज मेरा भाई होता, शायद मुझे ये बोलता कि दीदी आप अकेले मत जाओ, कभी फ़ोन करके पूछता कि तुम ठीक हो, अच्छे हो, कैसे हो, मेरे बेटे को फीवर है, सबके फ़ोन आ रहे हैं, या कुछ भी, या हम बीमार हैं, या कुछ भी, कभी पूछता कि तुम कैसे हो। और बस यही, बहुत कुछ दिमाग में चल रहा था, बहुत कुछ जो मैं नहीं कहना चाहती। अभी भी मेरे कुछ बहन भाई ऐसे ही कहेंगे, हम हैं, हाँ तुम सब हो, बहुत प्यार भी बहुत करते हो, पर कभी कभी इमोशनल एक मतलब अंदर से वो फीलिंग, चाहे वो भले ही हमें लात मारता, चाहे वो भले ही हमें पूछता नहीं, लेकिन एक जो फीलिंग होती है वो सिर्फ जिसमें बीतती है सिर्फ वो समझेंगे, बाकी लोगों के लिए सब मजाक होता है। बहुत बुरा हाल था मेरा, और अभी मैं घर आ चुकी हूँ, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, अभी भी घर आके भी आज मैं इतना रोई हूँ, मतलब कोई दिन ऐसा होता है कि जिस दिन हम इतने इमोशनल होते हैं, वो कोई कारण होता है कि हम भर जाते हैं किसी चीज़ से। बस कुछ बातें थी जो मैं अभी YouTube पे नहीं करना चाहूँगी, एक बात एक बंदे के लिए बोलना चाहूँगी, अगर तुमने कहा नहीं था तो इतना बड़ा बैर क्यों बांधा, मतलब कमी तुम्हारे अंदर थी, अपनों की लोग कमियाँ भी दबा लेते हैं, यही, क्योंकि मैं अलग थी। और अभी बस मैं वीडियो इसलिए बनाने लगी थी कि मेरा मन हल्का हो, जब ऑटो वाले ने कहा, मैंने कहा भैया ऑटो चलाओ तुम, मैं वीडियो बना लेती हूँ, मेरा मन बट जाएगा, तो फिर मैंने वीडियो बना ली थी। और ये है रस्ते का, मुझे वीडियो नहीं बनानी चाहिए, मुझे मुझे पता है मेरी फैमिली देखती है, मुझे बहुत सारे फ़ोन अभी से आने शुरू हो गए हैं, जैसे कि मैंने स्टेटस लगाया और मैसेज भी, आप सब जब प्यार करते हैं मुझसे तो वो मुझे रोते हुए भी नहीं देख सकते, वो मेरा अच्छा ही सोचेंगे, पर कुछ आप सब बहुत करते हो जो इतना प्यार करते हैं, और मेरी भाभी हैं कई, मतलब मुझे मुझे प्यार करने वाले ये बोलती हैं कि तुम इतनी स्ट्रांग हो, हम तुम्हें मतलब सोच भी नहीं सकते, तुम इतना कमज़ोर होती हो, तुम इतना हंसते बंदे को, रोते बंदे को रुला देती हो, तुम खुद भी रोती हो। मैं हमेशा जब होती हूँ इमोशनल, अकेले में होती हूँ, पागलों की तरह हंसी मजाक करना, वो बस वही उस टाइम भूल जाते हैं। वहाँ पे भी मैं भूल गई थी, घर पे जाके मैं बिल्कुल नहीं रोई थी, जब दीदी मेरी तरफ ऐसे देखा था वो मैं आपको अलग बताऊंगी, जब दीदी को पता चला था, पहले नहीं बताया था, पहले पूजा करवाई थी जो जिसलिए दीदी आई थी,
और ये हमारा खेत है, खेत की थोड़ी सी क्लिप मतलब वीडियो मैं बना ही रही थी मन हल्का करने के लिए, आप सबको दिखाएंगे आगे पूजा, और दीदी को पता चलेगा, वो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा नेक्स्ट। ये नैना और ये हमारी बुआ जी, ये संतोष दीदी मतलब हमारी दीदी शर्मा रही है, और ये नमकीन खाते हुए बुआ जी अभी नमकीन खा रही हैं, अभी खाएंगी। रोज खाती है, रोज खाती है। और यहाँ पे आके थोड़ा थोड़ा फ्रेश, और बुआ जी पियेंगी अब हुक्का, बहुत हुक्का पीती हैं बुआ जी। अब मारे तो घूटी में पियो भाई पियो। और ये शिवा भी आ गया है मम्मी के पास से। शिवा हालो बोलो, चलो बेटा तुम भी हालो तो बोलो, मैंने तो बोला ही नहीं, नमस्ते भी कर लो। नैना और नैना तुमने वीडियो भी तो बनाई जब हम वहाँ गए तुम्हारे वहाँ, हाय हेलो कर दिया। और आप तो बोलो हाय हेलो, राम राम कर लो सबसे, आपको तो बहुत मिस कर रहे हैं। अब मैं भी खा रही हूँ। हाँ हुक्का, अरे आ जा सोमना, तेरी भी वीडियो बना दूं मैं, लौंडक नजर लग जाएगी। नु कह रहा हूँ दीदी आप हेलो तो बोल दो, पहली बार आई हो उसमें वीडियो में, हेलो बोल दो। ये दीदी है हमारी अब ठीक है, राम राम जी। और ये दीदी पहली बार आई है, दीदी बहुत बीमार थी पहले, आप सबको पता है जितने भी वीडियो देखने वाले हैं, अब काफ़ी ठीक हैं, अपने पैर से चल सकती हैं अच्छे से। और अभी मैंने आपको रुक जा तो अभी अभी देखो, ये मेरी बहन और यू मेरे देवरानी और मेरे देवर की वाइफ और मेरे बच्चों की मम्मी मासी नुकरी आया, नहीं ये शिवा और कार्तिक की मम्मी, और ये लड़का हमारा लड़का ये हाँ तो है ही, या मैं कहा छुप जा, वो तो जब भी आ रहा तू मलू हाँ, तो मौसा कह दे इसमें क्या बुराई है, मौसा कहने में क्या बुराई है, मौसा कह दे अंकल क्यों लग तो ताऊ उधर में ताऊ कह दे अजी हाँ अंकल का किरायदार कह रहा है, अच्छा ताऊ सबको अब अंकल कहने लगे मुझे अभी ना मामा वो कह रही है ना चाची कहना चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कोई मुझे चाची कहे, आंटी कहे मुझे गुस्सा आवे। मैं कौन हूँ भाई, मेरा तो बता दे मैं कौन हूँ, तेरी पहले ही बता, तू यू बता मैं कौन लगूँ तेरी, जो तेना आज मुझे आंटी कह दी पहले अपने घर है मम्मी, हाँ तो मम्मी कह दे, अरे मम्मी कह दे आजा, तू तेरे पापा तू तेरे मम्मी कम रहेगी दीखे, मुझे ना पता कि आंटी नो लगती ना तेरी उरकुआ, अरे मैं तेरी मौसी लगू यहाँ यहाँ आ तू, पहले तू हेलो बोल नाम बता अपना। दीदी कह रही है कि मेरे बालन की वीडियो बनाओ, दिखाओ तो सूती तमा दिखाओ, कटवाए होंगे दीदी उस टाइम जब बीमार ही आप उतर गए बीमारी से उतर गए, इनके तो बहुत लंबे बाल है, ओ कह दूं ऐसे कह दूं मैं, तू बोल दे बेटा चाची नमस्ते ठीक हो, इनकी बना रही है ये तो अपनी तो ज्यादा खा ले वे नंद भाभी इनको प्यार मैंने सारे पैर न छुए ना, मैं उस टाइम डिस्टर्ब थी ज्यादा वाली ठीक है, आशीर्वाद दे दो जी तेरे बनी रहे खुश रहे भगवान तो बनाए रखे काले भूरे जीव तेरे हैं। हाँ हाँ ठीक
आकर धरी दिए लगता नहीं ले जाऊँ ये तो दूर दबे रही हूँ मैं तो लिया पी भी रही हूँ एक मम्मी बोली मम्मी कोई गलती ना नैना ने बताइए मो ने याद दिवाई है भाई हेलो बोल दिया भाई हेलो इधर बैठी रहे राम राम कर दो तुम भाई राम राम हेलो बोल दो राम राम हेलो खड़ा हो बेचारा भाग चूड़े को बहुत देर खड़े हो बहुत देर खड़ा हो क्या ऐसे नहीं तू करा मेरी बहू बिना अंदर ले जाना सब सामान उठा कर बता मान दो और का फिर चाची ताई नो आई अभी यही ना चाची ताई सब ये चाची से वहां थे तो वहां को काई बता दो भाई उन्होंने ऐसे ऐसे कही भाई ऐसे चाची ताई ये बैठी हूँ आज करो भाटी जी की मान लेगा तो बाबू चलो ठीक है भाई सीख ले अब जो कुछ रह रहे अपनी गाड़ी यार मेरा फोन नंबर ले लो एक दूसरे को ठीक है अरे वैसे ही कर फोन नंबर देख सहेली सहेली खट्टी घूम करो फिर ऐसे कॉमन अरे हम तो ऐसे इनको ब्याहे या कमाने कमाने में कहीं आने बढ़िया है ऐसे इनके ब्याह दिए अब भी नहीं हो रही क्या करेगी कहाँ करेगी फंदा के कहाँ करेगी